हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रेज में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई बनाने जा रहे हैं कच्चे आलू की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सब्जी, जिससे पूरी, पराठे या दाल चावल जिससे खाइए बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों के टिफिन में या लंच में बनाइए, ट्रैवल में बनाइए, 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर 2 आलू को छील कर रख लिया है कट करके धुलकर, और 1 प्याज कट कर लिया है। कढ़ाई साथ ही साथ रख दी थी गर्म होने के लिए, उसमें तेल डाला, आधा चम्मच जीरा डाला, 1 पिंच हींग की डालेंगे। दोनों चीज़ों को लाल होने देंगे। लाल होने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू कट किए थे, इसे डाल देंगे। और आलू डालते ही साथ में डाल देना है प्याज, एक इस तरह से, और इनको हमें अलग पलट कर 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई रखा है, तो इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इसके 2 मिनट हो गए हैं, तो अब वो करना है क्या, यहाँ पर डालने हैं कुछ ड्राई मसाले। 2 मिनट इसलिए फ्राई करेंगे जिससे कि आलू अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे, बाहर से क्रिस्पी लगेंगे, मतलब हल्का कलर कोटिंग आ जाएगी। यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि 2 आलू के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर छोटे चम्मच से मैंने आधा आधा चम्मच डाले हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है 1 मिनट, इस तरह से चलाते हुए 1 मिनट हमें इस तरह से भूनना है। और बहुत ही टेस्टी और चटपटी ये फ्रेंड सब्जी बनती है, और फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। बच्चों का लंच का टाइम होता है सुबह बनाना, टिफ़िन बहुत ही भागम दौड़ वाला टाइम होता है, जिसमें आप फटाफट ये सब्जी बनाइए, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर उसके बाद मैंने आधा चम्मच डाल दिया है कस्तूरी मेथी, और इनको आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से हमें ढक देना है, और गैस का फ्लेम कर देना है लो फ्लेम पे। इसे 5 मिनट कुक होने देंगे, 5 मिनट बाद फिर ओपन करेंगे ढक्कन इस तरह से। तो ये देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना प्यारा आ गया है, आप देख सकते हो। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, और 5 मिनट में इसको आपस में फिर से मिक्स कर लेंगे। और आलू पहले चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 मिनट हमने आलू को भूना, 5 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच यहाँ आमचूर पाउडर, क्योंकि यहाँ मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया, ये बिना टमाटर की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे आधा चम्मच आमचूर डाल देंगे, आधा चम्मच से कम यहाँ गरम मसाला डालेंगे, और आपस में सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आलू हो गए हैं सॉफ्ट, हमारी सब्ज़ी हुई है रेडी। मगर अभी क्या करना है, यहाँ पर 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स इसे फिर से कुक करना है, और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तो चलिए इसे ढक देते हैं, और 2 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। तो 2 मिनट हो गए, गैस का मैंने फ्लेम बंद कर दिया, और ये हमारी शानदार सब्जी तैयार है। बहुत ही टेस्टी और चटपटी करारी सब्जी है, आप खाइए, आपको पसंद आएगी। और कमेंट करके आप ज़रूर बताओगे, ये चटपटी सब्जी पुए के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, जो गुलगुला वो पुआ होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।